दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं बिना गूगल की मदद से 1 मिनट के अंदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फिर रैंडम कोई भी डेट में पूछ दूं कि 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा, या फिर मैं आपसे पूछूं अगर आपको कोई डेट दे दी जाए और उसके रेफरेंस में किसी दूसरे डेट का दिन निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो होगा प्योरली क्वेश्चन बेस्ड। कॉन्सेप्ट के 2 वीडियोज आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीप ईयर कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था ऑड डेज कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट कैलेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हम इन दो कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कल के वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था ऑड डेज कॉन्सेप्ट, और एक ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें डेट मंथ तो सेम थी बट ओनली ईयर वॉज चेंज्ड। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इफ ऑल थ्री थिंग्स आर डिफरेंट, लाइक 22 अक्टूबर एंड हियर इट इज रिटन 12 दिसंबर एंड ऑल्सो ईयर इज चेंज्ड, सो हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर CA2। अगर आपका CA अभी तक नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में होने वाला है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दिस विल हेल्प यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क इन CA2। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स फाइंड व्हाट डे ऑफ वीक वॉज ऑन 15 अगस्त 1947। इसकी मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा, फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, सेकेंड शॉर्टकट। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके बाद शॉर्टकट पे जाएंगे। हमको डेट निकालनी है 15 अगस्त 1947 की। कहने का मतलब यह है कि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने होंगे टिल 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ऑड डेज इन 1946 ईयर। उसके बाद मंथ बाय मंथ जनवरी फरवरी मार्च करते हुए हम लोग 15 अगस्त तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले 1946 ईयर में देखते हैं कितने ऑड डेज होंगे। कल की वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था 100 ईयर में होते हैं 5 ऑड डे, 200 ईयर में होते हैं 3 ऑड डे, 300 ईयर में होते हैं 1 ऑड डे, और 400 साल में होता है 0 ऑड डे। और इसी के मल्टीपल में भी हमने बात की थी, जब आप 1600 पहुंच जाओगे तो 1600 साल में होंगे 0 ऑड डे, 1700 में होंगे अगेन 5, 1800 में 3, 1900 पे 2, और अगेन 2000 पे 0। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। सो अगर 1946 को हम दो पार्ट में ब्रेक करें, वन इज 1900, सेकेंड इज 46। सो कैन यू टेल हाउ मेनी ऑड डेज इन 1900 इयर्स? यहां से देख सकते हैं, दो, सॉरी दिस इज वन। देखिए 5310 आपको याद रखना है, यहां पे लिख दिया हमने 5310। सो 1900 सालों में होंगे 1 ऑड डे। अब आपको निकालना है 46 ईयर में कितने ऑड डे होंगे। जब आपने कल 100 सालों में ऑड डे निकाल लिया तो क्या 46 ईयर में ऑड डे नहीं निकाल पाएंगे? इसको कैसे निकाला था, इसको ब्रेक करना पड़ेगा 46 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे और 46 ईयर में कितने नॉर्मल ईयर होंगे। 46 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे ये कैसे पता चलेगा, जब आप 46 को 4 से डिवाइड कर दोगे 11 बार जाएगा, इट्स मीन्स 46 ईयर में 11 लीप ईयर होंगे और बाकी बचे हुए 35 नॉर्मल ईयर होंगे। एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डे, सो 11 लीप ईयर में हो जाएंगे 22 ऑड डेज। एक नॉर्मल ईयर में होता है 1 ऑड डे, सो 35 सालों में हो जाएंगे 35 ऑड डे। देखिए ऑड डे का कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में पूरा डिस्कस किया है। अब कल की क्लास और परसों की क्लास दोनों आज के उसमें यूजफुल होने वाली है, आज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। आज होगी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो टोटल हाउ मेनी ऑड डेज इन 46 ईयर, यू विल से। देखिए ऐड करने से पहले भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 22 सालों 22 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, आप बोलोगे 1, 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर हुआ 1, और 35 में कितना हो जाएगा 0। सो ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन से 1 ऑड डे इन 46 ईयर कंबाइंडली, या फिर आप ऐड करके देख लीजिए 35 प्लस 22 दिस इज 57, और जब आप 57 को दोबारा 7 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। बट इतना ऐड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली आपको पार्ट में टुकड़ों में बांट दिया करिए चीजों को। जब भी आप कैलकुलेशन को ब्रेक कर करके करोगे तो टाइम कम लगेगा। सो कंबाइनली आई कैन से
इन 1946 ईयर, हाउ मेनी आवर डेज? ये हो गया 1900 में वन और ये हो गया 4600 में वन, सो आई कैन से इन 1946 ईयर टू ऑड डे। ये क्लियर हो गया 1946 सालों में कैसे ऑड डेज निकाला जाएगा। अब चलते हैं मंथ बाय मंथ टिल 15 अगस्त। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी की। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 में कितने ऑड डेज होंगे? 3। ये कल की क्लास में डिस्कस किया कंप्लीटली। फरवरी 1947 कितने की होगी? 28 की होगी, सो 0 ऑड डे। देन मार्च 31 को होता है 3 ऑड डे। देन अप्रैल 30 को होता है 2 ऑड डे। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई में 31 3, देन जून 2 ऑड डे, देन जुलाई 31 की 3 ऑड डे। नाउ अगस्त, अगस्त तो होता है 31 का, बट आपको यहाँ 3 नहीं लिख देना है। आई विल नॉट यूज दिस। अगस्त में हमको जाना है केवल 15 अगस्त का, सो हमको लिखना पड़ेगा 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, वो होगा 1। सो इस तरह हम लोग पहुंचेंगे 15 अगस्त तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के ऑड डेज लिखते हुए। और टिल 1946 हमने कैलकुलेट कर लिया है, 2 ऑड डे होते हैं तो प्लस 2 सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे। सो कंबाइन करते हैं, इसमें टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 3, 6, 2, 8, 11, 13, 16, 17, 2, 19, 19 ऑड डेज। और इसको जब आप दोबारा 7 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 5। सो फाइनली हमको मिल गया 15 अगस्त 1947 तक टोटल ऑड डेज कितने निकल आएंगे? 5। ये जो आपने 19/7 किया है, इसको आप डायरेक्टली 7-7 का पेयर बनाकर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 3 + 3 + 1 7 कैंसिल आउट, 3, 2, 5, 2, 7 कैंसिल आउट। सो यहाँ से कितना बच गया? 3 और 2 5, सो डायरेक्टली यू कैन से 5 ऑड डे। दिस इज अनदर शॉर्टकट अप्रोच टू गेट दिस 5। अब आता है इस 5 का क्या मतलब है। देखिए फर्स्ट डे हमेशा होता है मंडे, तो 1 को हम बोलेंगे मंडे, 2 को बोला जाएगा ट्यूसडे, 3 को बोलेंगे वेडनेसडे, 4 को बोलेंगे थर्सडे, 5 को बोला जाएगा फ्राइडे, 6 इज सैटरडे, एंड 7, और यू कैन से 0, 7 का मतलब होता है रिमाइंडर 0, वो होगा संडे। तो यहाँ पर आया है 5 ऑड डे, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। इट्स मीन्स 15 अगस्त 1947 वॉज फ्राइडे। दिस इज द फुल कॉन्सेप्चुअल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपको समझ में आना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड ये आपके हमेशा चलते रहना चाहिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखते हैं। देखिए जनवरी का क्वेश्चन बाद में करेंगे, डायरेक्टली डायरेक्टली 15 अगस्त का पहले करते हैं एक लाइन में, उसके बाद जनवरी का क्वेश्चन करेंगे। हमको निकालना है 15 अगस्त 1947 इन वन लाइन। तो स्टार्ट करिए जनवरी फरवरी से और पहुंचिए 15 अगस्त तक। जनवरी होती है 31 की, मीन्स 3 ऑड डेज। फरवरी 1947 चल रहा है, सो 0 ऑड डे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नाउ अगस्त। अगस्त में सीधा आपको डेट पर निकालना है 15 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, तो लिखेंगे आप 1। उसके बाद इस 1947 को ब्रेक करते हैं 1946 में। देखिए 46 रखेंगे क्योंकि ये जो 15 अगस्त है इसको हम जनवरी फरवरी की है, तो इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा 1946, उसके बाद 1946। सो 1900 में कितने और डेज हो जाएंगे, वो होगा 1। उसके बाद आप सीधे इसको लिख दीजिए 46 डायरेक्टली, आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं, आपको डायरेक्टली आप लिख दीजिए 46। अब 46 में बताइए कितने लीप ईयर होंगे, 46 ईयर में कितने लीप ईयर? अभी आपको बताया, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 11। ये एक लाइन में सीधा सीधा लिख दीजिए। अब इसको छोटा करते हैं, 46 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 4। इसी तरह जब आप 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 4। सो ये हो गया ऑड डेज कन्वर्जन। अब आपको 7-7 का पेयर बनाना है और कैंसिल आउट करते चलना है। 4, 3, 7, 4, 3, 7, 3, 3, 6, 1, 7। सो कितना बच गया? ये 2 + 2 + 1 मीन्स टोटल 5। 5 मीन्स फ्राइडे, दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन ओनली वन लाइन एंड विद इन 30 सेकेंड। यू कैन आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपको यह अप्रोच समझ में आई होगी। एक बार ट्राई करते हैं यही शॉर्टकट अप्रोच इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले जनवरी फरवरी करते हुए हमें डेट तक पहुंचना है, तो ये फर्स्ट मंथ ही है, तो सीधा सीधा 26 डेज में आपको ऑड डेज लिख देने हैं। 26 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 5। उसके बाद ईयर की बात करेंगे तो एक साल कम कर लेते हैं 1949, और इसको ब्रेक कर दीजिए 1949 में। सो
सो 1900 में कितने और डेज आ जाएंगे, वन। देन 49 को डायरेक्टली लिख देना है आपको इसी तरह, और 49 में कितने लीप ईयर होंगे वो लिखना है। 49 में कितने लीप ईयर होंगे, जब आप 11 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 12। अब इसको छोटा कर लेते हैं, जब इसको 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0 रिमाइंडर, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 5 रिमाइंडर। सो 5 5 10 एंड 11, 11 बाई 7 कितने ऑड डेज निकल के आ गए, 4। 4 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, अभी आपको हमने बताया मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, मतलब 26 जनवरी 1950 का था थर्सडे। दिस इज द आंसर विद इन 30 सेकेंड। ये अप्रोच रहेगी हमारी शॉर्टकट अप्रोच एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, उसके बाद नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे। 23 अक्टूबर 2024 जो कि आज की डेट है और आज दिन है वेडनेसडे, सो लेट्स सी इसका आंसर इस अप्रोच से वेडनेसडे आता है या नहीं, ये शॉर्टकट अप्रोच वर्क करेगी या नहीं। सबसे पहले जनवरी फरवरी करते हुए आपको 23 अक्टूबर तक पहुंचना है। जनवरी होगी 31 की, मीन्स 3 और डे। नाउ फरवरी, फरवरी 24 की बात चल रही है, सो 24 इज अ लीप ईयर, सो 29 की फरवरी रही होगी, मतलब एक और डे होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, नौ अक्टूबर, अक्टूबर आपको पहुंचना है 23 तारीख तक, तो 23 दिन में कितने ऑड डेज निकल आएंगे, तो ये हो गया जनवरी फरवरी। अब हम निकालेंगे ऑड डेज टिल 2023 ओनली, सो सबसे पहले इसको ब्रेक कर देते हैं 2000 और 23 में। सो 2000 ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, जीरो। 23 को सीधा हमने बोला, सीधा लिख दीजिए 23, और 23 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, जब आप 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 5। अब इस 23 को भी छोटा कर लेते हैं, 23 में कितने ऑड डेज निकल आएंगे, 23 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 9, मेक पेयर ऑफ 7 7 एंड कैंसिल आउट एवरीथिंग, सो 2 प्लस 5 7 कैंसिल आउट, 3 प्लस 2 प्लस 2 7 कैंसिल आउट, 3 2 2 कैंसिल आउट। सो अब बचे हुए ऑड डेज को अगर आप ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 4 3 7 3 10, सो 10 डेज में कितने ऑड डेज निकलेंगे, 3, एंड 3 मींस क्या हो गया, मंडे ट्यूजडे वेंसडे मींस थर्ड डे इज वेंसडे। सो ये आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप एक दो क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, और वो है रैंडम डेट। 22 में 2022 को मंडे था, सो 26 अक्टूबर 2036 को क्या होगा। देखिए यहां पर डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है, एंड दिस इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बट इतना भी नहीं, आप अगर शुरुआत में करोगे तो आपको 2 मिनट लग सकता है, बट जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 मिनट में भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये होगा कि हम लोग निकालेंगे 22 में 2022 को अगर मंडे है, सो 26 अक्टूबर 2022 को क्या होगा। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, 26 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं दिस क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक ही विद इन अ ईयर मूव करना है, मई से स्टार्ट करते हुए अक्टूबर तक पहुंचना है। सो मार्च मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब बात करते हैं ये मई में कितने दिन बचे हुए हैं, 22 मई की बात चल रही थी तो कितने दिन बच गए मई में, मई होती है 31 की। सो जब आप 31 को 22 से माइनस कर दोगे सो यू विल गेट 9। तो यहां पर हमें लिखना है बचे हुए दिनों में ऑड डेज, सो 9 दिनों में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 2 दिन। जब आप 7 से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट द रिमाइंडर एज 2। तो ये ध्यान रखना जब आप स्टार्ट कर रहे हो उस महीने में कितने दिन बचे हुए हैं उसमें ऑड डेज लिखना है। उसका सिमिलर एज इट इज जून आ जाएगा, जून में 30 का जून होता है तो 2 ऑड डेज, जुलाई 31 की होती है 3 ऑड डेज, अगस्त 31 का होता है 3 ऑड डेज, सितंबर 30 का होता है 2 ऑड डेज। ना अक्टूबर जहां तक आपको पहुंचना है उसकी डेट पूरा 26 अक्टूबर तक पहुंचना है, तो 26 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, 5। अब आप इसके 7 7 के पेयर बनाइए, कैंसिल आउट करिए, 3 2 5 कैंसिल आउट, सॉरी 5 2 7 कैंसिल आउट, देन 3 3 6 एंड 4 10, 10 मींस 3। सो फाइनली हमको मिल गए 3 ऑड डेज। 3 ऑड डेज का मतलब ये होगा कि 26 अक्टूबर 2022 को इसके 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए, मंडे के आगे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, 26 अक्टूबर 2022 को थर्सडे होगा। अब ये तो क्वेश्चन था नहीं कि इस दिन क्या होगा,
क्वेश्चन है 36 को क्या होगा। तो ये अब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है कि अगर 26 अक्टूबर 2022 को थर्सडे है सो 26 अक्टूबर 2036 को क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना बताया था, सीधा आपको ईयर का डिफरेंस लेना है। 22 से लेकर 36 तक कितना डिफरेंस हो गया, 14 सालों का डिफरेंस हो गया। इसके बीच में लीप ईयर कितने आने वाले हैं, तो आपको बोला था हमने फिंगर में काउंट करिएगा। 2024 में 29 फरवरी आएगी, देन 2028 में 24 की फरवरी आएगी, देन 2032 में भी 29 की फरवरी आने वाली है। उसके बाद क्या 2036 में 29 की फेब आएगी, बिल्कुल आएगी। मतलब टोटल 4 लीप ईयर आएंगे इनके बीच में। सो 14 का 7 का मल्टीपल है, 0 हो गया, मीन्स 4 इज 7 डेज। ये आप ऐड कर लीजिए, फिर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 4 ऑड डेज। सो 3 ऑड डे यहाँ से मिले, 4 यहाँ से मिले, टोटल हो गए 7 ऑड डे। 7 मिस होता है, 0 रिमाइंडर, मीन्स 26 अक्टूबर 2036 को भी मंडे होने वाला है। या फिर आप यहाँ थर्सडे तक पहुंच गए थे, थर्सडे के आगे 4 दिन और बढ़ जाइए तो भी आपको मंडे मिल जाएगा। सो ये होगी हमारी अप्रोच, जब सारे डेट्स चेंज होंगे, डेट मंथ ईयर व्हेन एवरीथिंग विल चेंज, सो आई विल यूज दिस अप्रोच। सबसे पहले विद इन ईयर मूव करेंगे, डेट सेम करेंगे, उसके बाद ईयर में खेलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, रैंडम कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट सपोज आज की डेट लिखते हैं 23 अक्टूबर 2024 इज वेनेसडे, सो 31 दिसंबर 2038 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ये कैसे निकलेगा, अक्टूबर सीधा लिख दीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर में कितने दिन बच रहे हैं, अक्टूबर होता है 31 का, तो 23 से 31 माइनस कर देंगे 8 दिन। 8 दिन में कितने और डेज आ जाएंगे, 1। नवंबर होता है आपका 30 का, सो कितने और डेज होंगे, 2। अब दिसंबर हमको पूरा लास्ट तक पहुंचना है, तो पूरा 31 लिखेंगे, 31 में 3 और डे, सो ये हमको मिल गया और डेज, जब आप विद इन ईयर मूव कर लिए। कितना हो गया, 3 2 5 1 6। इसके बाद जब आपको ईयर चेंज करना है, कितना गैप है यहाँ पर, 14 का। इसके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, आपको मूव करना है 31 दिसंबर 2024 के आगे 2038 तक। तो क्या 2024 को हम इंक्लूड करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे। 28 होगा 1, देन 32 होगा, देन 36 होगा, मतलब 3 ऑड डेज आने, 3 लीप ईयर आने वाले हैं। सो 14 मिस कम्बाइनली आई गेट 3, 3 फ्रॉम हेयर 6 फ्रॉम हेयर, टोटल 9 ऑड डेज। 9 मिस 2 ऑड डेज, 2 मिस आंसर विल बी वेंसडे प्लस 2 थर्सडे एंड फ्राइडे, सो आंसर इज फ्राइडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन सीखे, एक तो डायरेक्टली किसी भी डेट का डे फाइंड करना, और दूसरा रेफरेंस डेट के थ्रू किसी दूसरे डेट का डे फाइंड करना। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन और होता है स्टूडेंट को, वो ये है कि ये जो आपको लग रहा है ट्यूजडे, ये करेक्ट डे होगा, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर यहाँ पर ट्यूजडे की जगह थर्सडे भी लिख सकता है और संडे भी लिख सकता है। सो आपको इसी रेफरेंस को यूज करते हुए इस डेट का दिन निकालना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इफ 22 अक्टूबर 2024 इज ट्यूजडे, सो व्हाट डे ऑफ वीक विल बी ऑन 12 दिसंबर 2034। आपको ये क्वेश्चन हमने सिखा दिया है, ध्यान रखिएगा रेफरेंस इसी का यूज करना है। आप ये फर्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच से डायरेक्टली 12 दिसंबर का डे नहीं निकाल सकते। डोंट यूज फर्स्ट अप्रोच इन दिस क्वेश्चन। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दिस इज रेफरेंस कैलेंडर क्वेश्चन एंड दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। कल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर रिपीटिशन। कैलेंडर रिपीटिशन का मतलब होता है, अगर हम आपसे पूछे बताओ ये 2024 का साल एग्जैक्टली सेम टू सेम किस साल रिपीट होगा, मतलब अगर 2024 की 1 जनवरी को मंडे है, सो बताओ सेम किस साल 1 जनवरी को मंडे होगा। और ना ही केवल 1 जनवरी, पूरे साल सेम टू सेम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सारे के सारे दिन किस साल सेम होंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कल। ये एक छोटा सा वीडियो होगा कल के दिन, मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैलेंडर रिपीटेशन कॉन्सेप्ट। आज का वीडियो टफ क्वेश्चंस का था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।